In class 5 and assalamu alaikum, I am your teacher Miss Azka of subject journal science. As we were studying in our previous lectures about unit number 1, our classification of living things. Now we'll continue with our classification of animals as we have started in our previous lecture about how many classes of animals are there. Some are vertebrates, some are invertebrates. And further, vertebrates have different classes, which are mammals, birds, reptiles, and now we'll move on amphibians. हमने अपने पिछले लेक्चर में अपने जो क्लासिफिकेशन हम एनिमल्स कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में हमारे एनिमल्स में हमने बताया था दो तरह के हमारे एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. मैं दोबारा बताती चलूँ, वर्टिब्रेट्स हमारे वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी कमर में हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जिनकी कमर में हड्डी नहीं होती. फिर आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स में आगे से उनके क्लासेस, जिनमें क्या होते हैं हमारे मैमल्स होते हैं. क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो कि हमारे वर्टिब्रेट्स हैं. उन वो क्या कहते हैं, डेवलप बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. उनमें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो कि लंग्स के थ्रू ब्रीज करते हैं. फिर हमारे बर्ड्स थे, हमारे बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी भी क्या कहते हैं बैक में बोन होती है और ऊपर से वो एग्स के थ्रू बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बॉर्न उनको बर्थ देते हैं जो एग से हैच करके बाहर निकलते हैं. फिर हमारे रेप्टाइल्स थे. तो आज हम पढ़ेंगे अपने एम्फीबियंस के बारे में कि हमारे जो एम्फीबियंस हैं वो कैसे होते हैं. एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट्स दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. कि हमारे एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट होते हैं, जिनकी बैक में बोन होती है, डैट के लिव इन वाटर, जो कि हमारे पानी में भी रह सकते हैं और हमारे ज़मीन पर भी रह सकते हैं. जैसे कि वो पानी में रह सकते हैं वैसे वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन. ये अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं और अपनी स्किन के थ्रू भी. ये इनके लंग्स जो हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं तब इनके डिवेलप होते हैं लंग्स. उससे पहले जब ये पानी में होते हैं तो ये अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से. दे गो टू वाटर फॉर लेइंग एग्स. ये पानी में जाते हैं क्यों? अंडे देने के लिए. इनको अंडे देने के लिए पानी में जाना पड़ता है. दे एग्स आर सॉफ्ट विदाउट एनी हार्ड शेल. इनके जो अंडे होते हैं वो क्योंकि वो पानी में उनको जाके मतलब उनको पानी में जाके देते हैं, ले दे एग्स इन द वाटर, तो जिसकी वजह से इनके जो एग्स हैं उनकी जो शेल है वो हार्ड सॉफ्ट होती है, विदाउट एनी हार्ड शेल. इनके अंडों की जो शेल है ऊपर वाली कवरिंग होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल एग्स. दे कम्प्लीट देयर इनिशियल लाइफ स्टेजेस इन वाटर विद गिल रेस्पिरेशन. ये अपनी जो लाइफ की स्टेजेस हैं, अपनी इनिशियल क्या होता है, इनिशियल होती है शुरू की आपकी जो लाइफ की स्टेजेस होती हैं वो ये पानी में गुजारते हैं. किस तरह? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन. गिल्स रेस्पिरेशन कि जो हमारी गिल्स, उनकी जो गिल्स होती हैं एनिमल्स की, गिल्स होती हैं बेसिकली फिशेस की, जितने भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी से ब्रीज सांस ले सकते हैं. तो वो अपना जो रेस्पिरेशन उनका होती है, सांस लेने का उनका जो प्रॉपर सिस्टम होता है वो अपने गिल्स के थ्रू करते हैं जब अपनी इनिशियल स्टेजेस में. दे मूव टू लैंड व्हेन दे डेवलप इनटू एडल्ट. वो ज़मीन पर लैंड करते हैं, मतलब ज़मीन पर वो मूव कर जाते हैं जबकि वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब से वो एडल्ट में बन जाते हैं, जब वो अपने लंग्स के थ्रू सांस ले सकते हैं. मैं दोबारा बताती चलूँ, हमारे एनिमल्स ये जो हैं, हमारे जो एम्फीबियंस हैं, इसमें जो हमारे वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ये अपनी लाइफ की इनिशियल स्टेजेस में जब ये छोटे होते हैं, जिनकी नए इनकी मतलब पैदा हुए होते हैं, तो ये अपनी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं लाइफ की वो पानी में गुजारते हैं और वहाँ पे अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. लेकिन जैसे ही ये थोड़े बड़े होते हैं, एडल्ट में जाते हैं, तो ये इनके लंग्स डिवेलप हो जाते हैं, तो ये लैंड पर आ जाते हैं जिसके थ्रू ये ज़िंदा रह सकें, ताकि ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर सकें. तो हमारे जो एम्फीबियंस के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस आर टोड,
फ्रॉग, न्यूट एंड सलमेंडर, ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमारे एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस। आप ये देखो, उन्होंने छोटी सी पिक्चर में आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दी हुई है। अ लाइफ सर्कल ऑफ अ फ्रॉग, पहले सबसे पहले क्या था? एग्स थे, देख रहे हो आप कितने, मतलब जिसने पानी में दिए थे सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं, एम्ब्रियो थोड़े से भरे हुए एग्स उसके। फिर वो एक छोटा सा टैडपोल बन गया, टैडपोल विद टू लेग्स, छोटे छोटे दो लेग्स हैं उसकी, टैडपोल विद फोर लेग्स, इधर उसकी फोर लेग्स आ गई हैं, और एंड पे वो एक प्रॉपर फ्रॉग बन गया जो कि फाइनली वो लैंड पे लैंड कर सकता है। ओके क्लास, तो इसको ज़रा आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, फर नहीं होते, उनकी ड्राई स्किन होती है, वो भी अंडे देते हैं और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अपनी एम्फीबियंस के बारे में, तो लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये हमारे लैंड में भी, हमारी ज़मीन में भी रह सकते हैं और हमारे पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल देखते हो कि हमारे जो फ्रॉग्स हैं वो पॉन्ड्स में नज़र आते हैं, हमें किसी पानी वाली जगह पर नज़र आते हैं, लेकिन वो मतलब उछल कर बाहर भी लैंड पर भी आते हैं क्योंकि वो दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे एम्फीबियन ले एग्स, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, मतलब कि थोड़ी सी गीली गीली सी होती है, मॉइस्ट सी, चिपचिपी सी। वेब्ड फीट, इनके आप देख रहे हो जो फीट हैं, इनके जो पाँव हैं वो ऐसे कोई वेब होती है ना, जिससे कोई मतलब वेब से लगा होता है, जहाँ पे कोई जाला सा मतलब लगा होता है, वेब बनी होती है, तो इसकी एक प्रॉपर एक शेप होती है, इनके फीट वैसे होते हैं जिसकी वजह से ये आसानी से दोनों जगह चल सकें। हमारे क्लासिफिकेशन एनिमल्स में हमने ये चीज़ कल भी देखी थी, हम इसको आज दोबारा अपने एम्फीबियंस के लिए देखते हैं कि हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन वर्टिब्रेट्स में दो टाइप्स के एनिमल होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में अपनी बॉडी का टेम्परेचर हर टेम्परेचर के हिसाब से सेट उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो लेजी होते हैं, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर दूसरे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। हमारे वार्म ब्लडेड में आते हैं हमारे मैमल्स जो कि हम खुद भी हैं, बर्ड्स और फिश, जबकि हमारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं रेप्टाइल्स और हमारे एम्फीबियंस, जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। हमारे एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। दोबारा हम लोग इनको देखें कि हमारा व्हाट इज़ एन एम्फीबियन। एन एम्फीबियन इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट इज़ बॉर्न विद गिल्स एंड लेटर डेवलप लंग्स, कि हमारा जो एम्फीबियन है वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो कि पैदा होता है गिल्स के साथ। गिल्स क्या होती हैं आपको आगे डिटेल में दिखा भी दूंगी। इज़ बॉर्न विद गिल्स एंड लेटर डिवेलप्स, और बाद में वो उनके लंग्स डिवेलप, उनके लंग्स उनके अंदर डिवेलप हो जाते हैं। जो हमारा फ्रॉग है, टोड्स हैं, न्यूट्स एंड सलमेंडर आर एम्फीबियंस, ये हमारे एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो आपने यह करना है, आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखें, तो इसमें हमें कौन कौन से एनिमल ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे पानी में भी चल सकते हैं और हमारे बाहर लैंड पे भी। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारा फ्रॉग है, बिल्कुल वो पानी में भी चल सकता है और हमारे लैंड पे भी। इसमें हमारा टोड है, फिर ये टर्टल भी हमारा दोनों जगह चल सकता है, आप देख सकते हो। फिर हमारी, लेकिन हमारी जो फिश है वो जैसे पानी से बाहर निकलती है, अलग उसके गिल्स हैं, तो वो मर जाती है क्योंकि उसके अंदर लंग्स डेवलप नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ गिल्स होती हैं सांस लेने के लिए। और इसमें टोड हैं और आपके दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि आपके सेलेमेंडर्स वगैरह। ओके, सेलेमेंडर्स हमारी लिजर्ड की टाइप्स होती हैं, न्यूट्स भी हमारी इसी तरह के होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो एनिमल्स होते हैं जो फिश में रहते हैं, जो फिश कह रही हूँ, हमारे जो पानी में रहते हैं उनको, उनके पास गिल्स होती हैं जिसके थ्रू वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, जिसके थ्रू वो सांस ले सकते हैं। ये देखो, आप ये पिंक कलर का देख रहे हो, मैं दिखाती हूँ, ये हमारी जो चीज़ है ये पिंक कलर की चीज़ है, इनको हम लोग गिल्स कहते हैं। नॉर्मली हमारे फिश की इस जगह पे हल्की की, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा अंदर से दिखाया हुआ है, लाइंस लगी होती हैं, 3-4 लाइंस होती हैं, इसमें पता चलता है कि इसके यहाँ पे गिल्स हैं और इसके थ्रू जो उसको है ऑक्सीजन मिल रही है हमारी फिश को। तो हमारे जो एम्फीबियंस हैं उनको पहले उनके गिल्स डेवलप होते हैं जिसके थ्रू वो
पानी में अपने इनिशियल स्टेजेस गुजारते हैं। जैसे ही उनके लंग्स डेवलप होना शुरू होते हैं और वो हो जाते हैं, तो ऐसे साथ ही वो पानी से बाहर लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्लास ये हमने आज पढ़ा अपने एम्फीबियंस के बारे में, जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। तो आपने इनके बारे में अच्छे से लर्न करना है, इनको समझना है, और आपने इनकी पिक्चर, आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, इनमें आपने इनके नेम्स ढूंढने और उनको लिखना है। ओके क्लास, इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।